हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो टेस्ट करने जा रहे हैं वो है बिलिरुबिन टेस्ट, जिसे जॉन्डिस टेस्ट, पीलिया की जांच भी कहा जाता है। तो बिलिरुबिन टेस्ट में अपन देखेंगे टोटल बिलिरुबिन और डायरेक्ट बिलिरुबिन, और ये दोनों जो टेस्ट होते हैं वो एक ही मेथड में आ जाएंगे। और जो मेथड यूज़ में लेंगे वो है डाइएजो मेथड ऑफ पर्लमैन एंड ली, और ये एक एंड पॉइंट रिएक्शन है। एंड पॉइंट मतलब एक पॉइंट के आने के बाद ये रिएक्शन बंद हो जाती है। तो वो पॉइंट कौन सा है, वो है पाँच मिनट का इंक्यूबेशन है, इस दौरान ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। और एंड पॉइंट में अगर रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है तो कोई केमिकल डाल के रिएक्शन को कंप्लीट करवाना होता है, उसके बाद रीडिंग ली जाती है। तो इसमें कोई दूसरा केमिकल डालने की आवश्यकता नहीं है, 5 मिनट बाद जो भी कलर फॉर्म होगा उसकी रीडिंग ले ली जाएगी। तो इससे एंड पॉइंट रिएक्शन भी कहा जाता है, 5 मिनट बाद ये रिएक्शन एंड हो जाएगी और जो भी कलर फॉर्म होगा वो हो जाएगा। तो इसमें जो रिएजेंट यूज़ में लेंगे उसमें कोई पाउडर फॉर्म नहीं है, ये रिएजेंट रेडी टू यूज़ है, ये लिक्विड फॉर्म है, और किस कॉन्स्टिट्यूशन में हमको मिलाना है वो उस हिसाब से मिला के अपना रिएजेंट तैयार हो जाएगा। और जो सैंपल है वो अपन सीरम भी यूज़ में ले सकते हैं और प्लाज्मा भी ले सकते हैं। अगर सीरम यूज़ में ले रहे हैं तो वो अनहीमोलाइटिक होना चाहिए, अर्थात जो रेड सेल है वो लाइज नहीं होनी चाहिए, चाहे वो सीरम हो या प्लाज्मा हो। तो ये एक मस्ट कंपल्सरी है कि आपका सीरम या प्लाज्मा हीमोलाइज नहीं होना चाहिए। और अगर आप प्लाज्मा ले रहे हैं तो EDTA प्लाज्मा भी ले सकते हैं, और हीपेरिन प्लाज्मा का भी आप बिलिरुबिन टेस्ट के लिए यूज़ में कर सकते हैं। तो बिलिरुबिन टेस्ट स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि आखिर बिलिरुबिन होता क्या है, कैसे बनता है, किस प्रकार का होता है। तो बिलिरुबिन एक RBC से फॉर्म होता है। RBC जब भी ब्रेक डाउन होती है, RBC का कुछ टाइम होता है, उसके बाद ये अपने एंडोथेलियल सिस्टम में लाइज हो जाती है। जैसे RBC का जो लाइफ है वो 120 दिन की होती है, 120 दिन बाद जब भी लाइज होती है तो उसके अंदर से जो हीमोग्लोबिन होता है वो रिलीज हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन में से जो हीम और ग्लोबिन प्रोटीन सिंथेसिस में काम आ जाता है, और पीछे बचता है हेम कॉम्बिनेशन होता है आयरन प्लस पोरफायरिन रिंग का। तो आयरन काम में आ जाता है, अगर दूसरा हीमोग्लोबिन जो भी सिंथेसिस होता है उसमें आयरन पार्ट काम में आ जाता है, और पीछे बचता है पोरफायरिन। इसका ऑक्सीडाइजेशन होके ये बिलीबर्डिन में कंप्लीट कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद ये बिलीबर्डिन रिड्यूस होकर बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये बिलिरुबिन कहलाता है इनडायरेक्ट बिलिरुबिन या अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, तो इसको वाटर सॉल्युबल करने की आवश्यकता होती है ताकि ये बॉडी के बाहर रिलीज हो सके। तो जब भी बिलिरुबिन को लीवर में ले जाना होता है तो ये पहले एल्बुमिन के साथ कंबाइंड होके लीवर में जाता है, और वहाँ से एल्बुमिन रिलीज हो जाता है, और उसके साथ ही ये GA ग्लूक्रोनिक एसिड होता है वो इसके साथ कंबाइंड हो जाता है। तो इसके बाद ये कहलाता है डायरेक्ट बिलिरुबिन या कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। ग्लूक्रोनिक एसिड जब कंबाइंड हो जाता है तो ये कहलाता है कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन या डायरेक्ट बिलिरुबिन। इसके बाद ये स्टर्कोबिलिनोजन या यूरोबिलिनोजन के रूप में शरीर के बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो टेस्ट के प्रोसीजर में देखते हैं टोटल और डायरेक्ट बिलिरुबिन के लिए। तो सबसे पहले अपन ले लेंगे 4 ट्यूब, 2 टोटल के लिए और 2 डायरेक्ट बिलिरुबिन के लिए। तो पहले इसको मार्क कर लेंगे ब्लैंक टोटल का और टेस्ट टोटल का, टी टेस्ट टोटल का, ये आगे रख लेंगे दोनों ट्यूब। और 2 ट्यूब मार्क करेंगे डायरेक्ट बिलिरुबिन के लिए। तो ये डायरेक्ट बिलिरुबिन के लिए दोनों ट्यूब, और फर्स्ट है ब्लैंक और सेकंड है टेस्ट के लिए। इसको अपन इस ट्यूब के पीछे रख लेंगे। तो जो अपने रिएजेंट है वो लेना है R1 100,000 ml, ये R1 है, और इसको लेना है 1000 ml ट्यूब 1 एंड ट्यूब। जो टोटल के लिए 2 ट्यूब हमने रखी है
ब्लैंक और टेस्ट के लिए, तो उसमें आर वन लेना है 1000 और आर वन लेना है सेकंड ट्यूब में 1000। और दूसरा जो रिएजेंट है वो भी लेना है 1000 या 1 ml, ये है आर टू, और ये रिएजेंट है डायरेक्ट बिलिरुबिन के लिए। तो डायरेक्ट बिलिरुबिन के लिए अपने पास दो ट्यूब है पीछे की साइड, तो इसमें लेना है 1 ml आर टू। अब हम लेंगे तीसरा रिएजेंट आर थ्री, जो कि छोटी बोतल में है, और वो हमें लेना है 10 microliter और 20 microliter। 20 microliter लेना है टोटल बिलिरुबिन के लिए, ये 10 की है। तो पहले डायरेक्ट बिलिरुबिन के लिए रिएजेंट तैयार करते हैं, तो आर थ्री ले लेते हैं 10 microliter ब्लैंक में, डायरेक्ट ब्लैंक में, और 10 microliter ले लेंगे टेस्ट के लिए डायरेक्ट बिलिरुबिन के लिए। और अब हमें लेना है 20 microliter, यही आर थ्री ट्यूब वन में 50 की है, तो पहले इसको सेट कर लेते हैं 20 microliter पे। और यहाँ लेना है जो दोनों ट्यूब है टेस्ट टोटल की, उसमें ले लेंगे 20 microliter ब्लैंक में और 20 microliter टेस्ट में। ये अपने रिएजेंट रेडी हो गया है सीरम या प्लाज्मा को इसमें मिलाने के लिए। एक बार मिलाने के बाद ये एक दिन के लिए रूम टेम्परेचर पे रेडी रहता है, और उसके बाद इसकी जो एब्जॉर्बेंस है उसकी ख़राब हो जाती है। तो अब हम लेंगे एक सीरम, किसी पेशेंट का सीरम है, उसको इन ट्यूब में डालना है। तो चूंकि हमारे पास एक ही पेशेंट का सीरम है, तो जो टेस्ट की अपन ने ट्यूब बनी है उसमें लेना है। तो सीरम हमें लेना है 50 microliter, 50 microliter लेना है जो सेकंड ट्यूब है टोटल की और डायरेक्ट की, दोनों में 50-50 microliter सीरम डालना है। ये टेस्ट वाली में टोटल की और डायरेक्ट बिलिरुबिन की टेस्ट ट्यूब में डालना है। और अब इसको अपन रख लेते हैं 5 मिनट के लिए 37 degree टेम्परेचर पे, इंक्यूबेटर में रख लेंगे, और उसके बाद देखते हैं रिएक्शन। तो इन 5 मिनटों में अपन देख लेते हैं कि इसका क्या प्रिंसिपल है और क्या रिएक्शन घटित होती है। तो जो भी बिलिरुबिन अपने सीरम या प्लाज्मा में प्रजेंट है वो क्रिया करेगा डाई एजोस्टाइड सल्फोनिलिक एसिड से इन द प्रजेंट ऑफ एसिडिक मीडियम, और बनाया जाएगा एजो बिलिरुबिन, जो कि पिंक कलर का होता है। और बियर्स और लैम्बर्ट्स लॉ कहता है कि ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ कलर सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो जो भी अपने कलर फॉर्म होगा उसका रीडिंग ली जाएगी इसके द्वारा, क्लोरीमीटर द्वारा, या फिर आपके जो भी सेमी ऑटोलाइनाइजर यूज ले रहे हैं तो उसके द्वारा। तो अपन बिलिरुबिन में देखते हैं टोटल बिलिरुबिन, तो जो अपने फॉर्म हुआ था इनडायरेक्ट बिलिरुबिन और डायरेक्ट बिलिरुबिन दोनों को मिला के कहा जाता है टोटल बिलिरुबिन। और अगर टोटल बिलिरुबिन से डायरेक्ट बिलिरुबिन घटा दिया जाता है तो अपन को प्राप्त होता है इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। टोटल बिलिरुबिन बढ़ सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है अगर बाइलरी ट्रैक्ट में, या कोई वायरल हेपेटाइटिस है या हीमोलाइटिक डिसऑर्डर है तो टोटल बिलिरुबिन बढ़ जाता है। और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ जाता है हीमोलाइटिक डिसऑर्डर में, या कोई लीवर की डिजीज है तो, या फिर लीवर के पहले की कोई कंडीशन है तो उसमें इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ जाता है। तो 5 मिनट हो गए हैं, अब अपन टेस्ट कर लेंगे कितना रीडिंग आती है। जो भी कलर फॉर्म होना था वो फॉर्म हो गया है। तो पहले अपन ऑटो एनालाइजर में टोटल बिलिरुबिन सेट कर लेंगे
और एस्पायरेट वाटर, डिस्टिल वाटर के साथ एस्पायरेट करना होता है ताकि ये क्लीनिंग हो जाए। और अब ये मांग रहा है सीरम सैंपल ब्लैंक, जो हमने फर्स्ट ट्यूब रखी थी ब्लैंक के लिए, उसको एस्पायरेट करना है। तो ये एस्पायरेट हो गया, अब ये मांग रहा है सैंपल। सैंपल में हमने 50 माइक्रोलीटर सैंपल डाला था टेस्ट वाली ट्यूब में, तो इसको एस्पायरेट करके देखते हैं कितना रीडिंग आता है बिलिरुबिन टोटल। तो ये कुछ सेकंड के बाद रिजल्ट आ जाता है 9.78 टोटल। और अब करते हैं डायरेक्ट बिलिरुबिन। डायरेक्ट बिलिरुबिन के लिए वापस बैक में जाते हैं और सेट कर लेते हैं डायरेक्ट बिलिरुबिन एस्पायरेट वाटर, सेम प्रोसीजर यूज़ में आएगा। और अब ये मांग रहा है ब्लैंक, यूज स्टोर ब्लैंक, यस। अब सैंपल ब्लैंक मांग रहा है, जो फर्स्ट ट्यूब रखी थी डायरेक्ट के लिए ब्लैंक में, वो एस्पायरेट कर लेंगे। और उसके बाद हम एस्पायरेट सैंपल जो सेकंड ट्यूब है डायरेक्ट बिलिरुबिन की, एस्पायरेट में के बाद देखते हैं कितना रिजल्ट आता है। डायरेक्ट बिलिरुबिन टोटल है 9.78, डायरेक्ट आ गया 3.97। तो अब हम इनकी नॉर्मल वैल्यू भी देख लेते हैं। टोटल बिलिरुबिन और डायरेक्ट बिलिरुबिन में इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। एडल्ट की जो टोटल बिलिरुबिन होता है वो 0.0 से लेके 1.3 mg पर डेसीलीटर के बीच होना चाहिए, अर्थात 1.3 mg पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए टोटल बिलिरुबिन। और डायरेक्ट बिलिरुबिन 0.25 mg पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। इन्फेंट में अलग अलग जो एज है उसके हिसाब से नॉर्मल वैल्यू डिसाइड की गई है, जबकि डायरेक्ट बिलिरुबिन एडल्ट के बराबर ही 0.25 से कम होना चाहिए। तो न्यूबॉर्न की जो अपन दो भागों में डिवाइड करेंगे, एक प्री मैच्योर एक फुल टर्म। प्री मैच्योर मतलब अगर 9 महीने से पहले ही का बच्चा है तो उसका बिलिरुबिन हाई, इसकी नॉर्मल वैल्यू दी हुई है। और अगर 9 महीने के बाद बच्चा पैदा हुआ है तो उसके बाद उसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो डिसाइड होगी। तो अगर 0 से 1 दिन का बच्चा है तो इसकी 1 से 8 mg पर डेसीलीटर नॉर्मल वैल्यू है अगर प्री मैच्योर है, और 2 से लेके 6 mg पर डेसीलीटर है अगर 9 महीने से बाद पैदा हुआ है बच्चा। तो इसी तरह अगर 1 से 2 दिन का है तो 6 से 12 mg पर डेसीलीटर प्री मैच्योर बेबी की, और 3 से 5 दिन का है तो 10 से 12 mg पर डेसीलीटर इनकी नॉर्मल वैल्यू होती है। और अगर बच्चा फुल टर्म है तो 1 और 2 दिन के बच्चे की 6 से 10 mg पर डेसीलीटर, और 3 से 5 दिन के बच्चे की 4 से 8 mg पर डेसीलीटर नॉर्मल वैल्यू होती है बिलिरुबिन की। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पे नए हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।